हेलो दोस्तों, मैं माला चिट्ठी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में एक टमाटर मसालेदार एक पराठा बना रही हूँ, उसको दही के संग या तो सब्जी, अगर नहीं होगा इसके संग सब्जी नहीं चाहिए तो मैं ऐसे बना रही हूँ। अब देख लीजिए, पहले देखिए एक टमाटर लिया है मैंने, धो के साफ करके ले लिया है। दो मिर्ची, ये दो मिर्च हरी मिर्ची जाएगा, और ये आधा इंच करीब एक अदरक, अदरक का टुकड़ा। तो अब मैं टमाटर को पहले ग्राइंड जार में, मिक्सर के जार में ले लिया। ये अदरक जाएगा और ये मिर्ची, इसको मैं पीस करके फिर आ रही हूँ। ये देखिए मैंने पीस लिया है टमाटर, अदरक और ये, अब इसको मैं साइड में रख रही हूँ। अब ये मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है, एक कप गेहूँ का आटा है, और इसमें जाएगा दो चम्मच बेसन, नमक, नमक जाएगा हाफ चम्मच करीब, हाफ चम्मच नमक, जीरा हाफ चम्मच, जीरा हाफ टीस्पून जीरा, और ये जाएगा अजवाइन जाएगा थोड़ा हाफ चम्मच करीब। थोड़ा सा हींग दे रही हूँ मैं जरा हींग लेती हूँ, आपको नहीं हो तो आप मत दीजिएगा। अब मैं टमाटर के पानी से इसको सानूंगी। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता देना है। ये थोड़ा सा पानी से इसको धो के दे देंगे। ये मिक्सी का जार मैं धो करके दे रही हूँ, थोड़ा सा लगेगा पानी, मसाले भी इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा और पानी से छान लो, आटा अच्छी तरह से ना सनने से अच्छा नहीं होता है, पराठा अच्छा नहीं होगा। एक ही टमाटर दिया है मैंने, एक कप इसमें, एक कप माटे में एक ही टमाटर दिया है मैंने, मेजरिंग कप का एक कप था। थोड़ा सा
ऐसे करके 5 मिनट के बाद फिर से मैं आ रही हूँ। देखिए ये इस तरह से टमाटर ये देखिए इस तरह से लाल लाल टमाटर का पराठा ब्रेकफास्ट ये देखिए टमाटर पराठा। गैस में बंद कर दे दूं। ये देखिए ये लाल लाल ये दही के साथ मैंने लिया है। ओके देख लीजिए